यार मालिक कसम से टेंशन नहीं रहे तो क्या करें। इस टीम ने हमें नफसियाती कर दिया, पागल कर दिया यार। सुबह सात सात बजे उठ रहे हैं इस टीम के चक्कर में, 12-12 घंटे बैठ रहे हैं यार लैपटॉप के आगे। मतलब यार कसम से मैच इतना पागल कर दिया है कि दूसरी टीमों के मैच में भी हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है उन्हें। यार क्या टीम है यार कसम से। और गुस्सा इस बात पे आ रहा है यार, ये जीते किस तरह से यार। ये तो अभी 92 थे शुक्र है, अगर ये 120 होते हमारे तो हाथ पर पूजा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता हमसे चेज होने थे भाई, ये 120 रन भी यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने 92 चेज किया। इतनी कोई घटिया क्रिकेट खेली है बैट्समैनों ने हमारे कसम से यार, कोई इंटेंट ही नहीं। इतना दबा के खेलने, इतना दबा के खेले। अबे भाई थोड़े बल्ले चला लो बहन, अभी गालियां निकल गई ऐसी ऐसी, कोई गालियां आ रही है मैंने कभी जिंदगी में नहीं दूंगी, ऐसी गालियां आ रही है अभी। बैटिंग देख के, बॉलिंग देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया था। क्या बॉलिंग की है माशाल्लाह से, अल्लाह नजर बस से बचाए यार इन्हें। बस हमारे बैट्समैन जो है वो भाई बस डिजर्व नहीं करते ऐसा बॉलिंग अटैक भाई। इस इनके बदले भाई एक दो प्लेयर कहीं और से डिपोर्ट कर लो। हमारे पाकिस्तानी जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके उनकी टीमों में खेल के अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो हमारी टीम में होते हैं वो साले खस्सी एक नंबर के। मतलब इतना डर के खेलना है, इतना डर के खेलना है। वो एक फखर जमान से ही बंदा है भाई, बल्ले से आउट हो जाता है मसला नहीं है, बल्ले तो चलाता है, थोड़े रन बनाने की तो कोशिश करता है। ये तो रोकते रहेंगे, गैप में ही नहीं मारना आते सालों को, शॉर्ट गैप ही नहीं निकालना आते। इतना मैं भरा हुआ हूँ ना कसम से, मैं इनको मेरे सामने उठा दो ना मैं बातों से कुचल दूंगा इन्हें। इतना कोई मैं इनके ऊपर फटूंगा ना ऐसा कसम से यार। जिम्बाब्वे का मैच हारे फिर ये वाला मैच जीतना ही नहीं चाहिए भाई इस टीम को। तो आईसीसी को अभी मैं सोच रहा हूँ, एक मैं इतना कोई बड़ा वो नहीं हूँ ना भाई, कोई बड़े बंदे तक ये बात पहुंचाओ, इस टीम को बैन करो पाकिस्तानी टीम को, ताकि यार हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए आसानी हो जाएगी भाई। बाबा तुम कुछ करो यार, तुम अपना कोई जादू चलाओ यार, इस टीम को बैन करवाओ भाई।